नाज़रीन ग्रामी, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। मौत न छोटों पर शफकत करती है और न ही बड़ों की ताज़ीम करती है। ये दुनियावी चौधरियों से डरती है और न ही बादशाहों से इनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदावंदी होता है तो ये तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई शख्स मरने के करीब होता है तो उसे ऐसा क्या महसूस होता है, या वो मलकुल मौत की कौन सी शक्ल देखता है जो कोई दूसरा नहीं देख सकता और ना ही महसूस कर सकता है? और जब वो मर जाता है तो अमूमी तौर पर उसकी आंखें खुली क्यों रह जाती हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। मुआज़्ज़िज़ दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मर्द मोमिन की मौत का जब वक्त आता है तो मोमिन की रूह मलाइका के जलूस के साथ जाती है। मलकुल मौत की कयादत में 500 फरिश्तों का वफद जलूस लेकर मोमिन के पास आता है। मलकुल मौत मर्द मोमिन को सलाम करता है और कहता है कि अल्लाह पाक ने आप पर सलाम भेजा है। हदीस में है कि फिर मलकुल मौत उस मोमिन की रूह को आसमानों पर ले जाता है जहां तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं और फिर उस रूह को भी सजदा करवाते हैं। दोस्तों, इस हदीस मुबारक से तो ये बात साबित होती है कि जब किसी नेक इंसान को मौत आती है तो वो अपनी तरफ आते हुए नूरानी फरिश्तों को भी देख रहा होता है और उनसे कलाम भी करता है, लेकिन दुनिया की जाहिरी आंखें इस मंजर को बिल्कुल भी देख नहीं पाती। इसके अलावा मुशाहदे में आया है कि मरने के बाद मैयत की आंखें खुली रह जाती हैं। इस हवाले से साइंसी तौजीहात भी पेश की जाती हैं। ताहम इस सवाल कि मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं का जवाब खुद सरवरे कौनैन वाली दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देते हुए रब्बे ताला के उस राज से कयामत तक आने वाले इंसानों को आगाह फरमा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। अहदीस की मुस्तनद किताबों अबू मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायात के मुताबिक जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का आखिरी वक्त आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आयादत के लिए तशरीफ लाए। वो उस वक्त नजा के आलम में थे, घर में अफसुर्दगी का माहौल था और घर के एक गोशे में खवातीन रो रही थी। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जब हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद कर दी। इन अहदीस से यह बात साबित हो जाती है कि जब इंसान को मौत आती है तो वो अपनी खुली आंखों से नूरानी मखलूक देख रहा होता है जो आम दुनियावी आंखों से ओझल होती है। इसी तरह का एक वाक्या इस वक्त भी सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शदीद बीमार मरीजा बेड पर लेटी होती है और उसके साथ ही एक कुर्सी पर उसकी सगी बहन बैठी होती है जो कि अपनी बहन की आयादत के लिए आती है। ये दोनों मुसलमान बहनें बातों में मसरूफ होती हैं कि अचानक उसकी बीमार बहन कपकपा जाती है और ऊपर की जानिब देख कर कहती है कि ये क्या है, क्योंकि साथ बैठी हुई खातून को कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो कहती है कि कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी बीमार बहन की तबीयत मजीद बिगड़ती है और वो कहती है कि कुछ होने वाला है, लेकिन उसकी बहन अपनी बीमार बहन को हौसला देते हुए कहती है कि कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो फिर एक जानिब देख के कहती है कि बहन ये क्या है। अगर हम इस लड़की की वीडियो को गौर से देखें तो हमें महसूस होगा कि जैसे उसे कोई ऐसी मखलूक दिखाई दे रही है जो बाकियों की नजरों से ओझल है, और इसी दौरान उस लड़की की रूह परवाज कर जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल खुली रह जाती हैं। नाज़रीन ग्रामी, आप पहले ये वीडियो के मनाजिर देखिए, इसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। Ben yanındayım. Hiçbir şey yok.
मॉम, नहीं अश्क मॉम, नहीं बेबी, नहीं यूरोसन अश्क, राजीम, राजीम, अश्क, राजीए, अश्क। जी तो नाज़रीन, यकीनन आपको वीडियो देखने के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही दो अहादीस ज़हन में आई होंगी जिनका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर बताया था कि मरने वाले की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं, और ये भी बताया था कि रूह कब्ज करने के लिए आने वाले फरिश्ते मरने वाले मोमिन से गुफ्तगू भी करते हैं। जब आ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह अल्लाह का हुक्म है। एक हदीस में इरशाद होता है कि मैयत पहचानती है कि कौन उसे गुस्ल देता है और कौन उठाता है, कौन उसे कफन पहनाता है और कौन कब्र में उतारता है। प्यारे दोस्तों, हम अगर आज जदीद साइंस की मदद से यह जानने की कोशिश करें कि मरते वक्त इंसान क्या महसूस करता है तो साइंस भी आज इस्लाम के उसूलों पर चलती हुई नजर आती है। एक जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते, रूह पैरों को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस बाहर की तरफ चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान के जरिए कुछ मशवरे तजवीज करता है तो दूसरी तरफ उसकी जुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उसकी जुबान को कलमे शहादत की हिदायत देता है, और अगर इंसान काफिर मुशरिक बददीन या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की ही पैरवी करता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें किसी हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती रहती हैं। उन आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है। इसके बाद इंसान की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेकर आराम की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि उससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा। मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है, जबकि गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि इंसानी जिस्म से रूह किस रफ्तार से कब्ज होती है या मौत कितनी तेजी के साथ इंसानी जिस्म में सरायत करती है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए अमरीका के माहरीन ने तहकीक की। तिब्बी माहरीन और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ तहकीकात करके नताइज अखज़ करने की कोशिश भी की। इसी तरह अमेरिका के माहरीन ने एक और मुतालियाती तजिया किया जिसमें रूह कब्ज होने की रफ्तार को देखा गया। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहरीन ने दावा किया है कि मौत के कुछ अरसे बाद तक इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, जिसकी अहम वजह यह है कि जिस्म के तमाम खुलियात बैक वक्त मुर्दार नहीं होते बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सफर तय करती है। माहरीन ने दावा किया है कि वो इंसानी जिस्म में मौत के फैलाव की रफ्तार को रिकॉर्ड करने और उसका मुशाहिदा करने में भी कामयाब हो गए। मुहक्किकीन का कहना है कि मौत तकरीबन 2 मीटर फी घंटे की रफ्तार से इंसानी जिस्म में सफर करती है। तहकीक में ये बात सामने आई कि हमारे जिस्म के खुलियात के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला है। इंसान को मुकम्मल मरने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। दोस्तों, बेशक मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे हर मजहब का मानने वाला बल्कि ला मजहब भी मानता है, लेकिन आज हर एक अपनी मौत को फरामोश किए हुए है। बहरहाल,
जो अल्लाह पाक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से ही गाफिल और मुनकिर हैं, उनसे इस बात का क्या शिकवा। अफसोस तो हम मुसलमानों पर है कि दुनिया को आखिरत की खेती मानने के बावजूद मौत से और उसकी तैयारी से गाफिल है। एक अंसारी मर्द ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के बाद आपसे पूछा कि सबसे अफजल मोमिन कौन है। आपने फरमाया कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। फिर उसने सवाल किया कि सबसे अकलमंद मोमिन कौन है। आपने फरमाया कि जो मौत को सबसे ज्यादा याद रखे और मौत के बाद के लिए सबसे अच्छी तैयारी करे। लिहाजा हमें चाहिए कि अहादीसे नबवी की रोशनी में हम मौत को हमेशा याद रखें और इसकी तैयारी के लिए अल्लाह और उसके रसूल के दिए गए असूलों पर अमल करें। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।